क्वेश्चन सेवन नंबर देखते हैं, यह वाला हिस्सा लेते हैं। दिया है साइन ए माइनस कॉस एक ए इंटू में कॉस ए माइनस में सेक ए, इसको प्रूव करना इतना और इसको प्रूव करना इतना। चलिए कितना सिंपल है इसी से मैं बताता हूँ। मैं यहाँ एक काम करता हूँ, मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, साइन ए ऐसे ही रहने देता हूँ, कॉस ए को वन बट्टा में साइन ए लिख देता हूँ, फिर कॉस ए और सेक ए को वन बाई कॉस ए कर देता हूँ। अंदर एलसीएम लेते हैं दोनों जगह, यहाँ एलसीएम लेंगे साइन ए, यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस वन, और यहाँ लेंगे कॉस ए, एलसीएम होगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन करते हैं, यहाँ भी माइनस कॉमन करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, मैंने जानबूझ के ऐसा किया ताकि इसे कन्वर्ट किया जा सके, फॉर्मूला निकल सके। यहाँ भी माइनस कॉमन करता हूँ, यहाँ हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस ए, समझ रहे ना। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, तो यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए और बटा में कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस गया, एक साइन से एक साइन गया, आ गया साइन ए कॉस ए इसका आंसर। दूसरा वाला हिस्सा जो है देखो यही ना लाना था, साइन ए कॉस ए इसको भी लेते हैं, वन बटा टेन ए प्लस कॉट ए, वन बटा टेन ए और प्लस में कॉट ए, इसे भी साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, वन बटा साइन ए बटा कॉस ए और प्लस कॉट को कॉस ए बटा में साइन ए। चलिए एलसीएम लेते हैं दोनों जगह नीचे की ओर, नीचे एलसीएम लेंगे वही साइन ए कॉस ए आएगा, साइन ए कॉस ए, इसमें से भाग करेंगे साइन जाके ऊपर गुणा करेगा साइन स्क्वायर ए और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू तो वन हो जाएगा ना, ये ऊपर पलट के चला जाएगा तो हो जाएगा इसका वैल्यू वन, तो वन बाई वन बटा में साइन ए कॉस ए, ये थोड़ा लंबा फ्रैक्शन हो, साइन ए कॉस ए पलट जाएगा ऊपर चला जाएगा तो हमारा आ जाएगा साइन ए कॉस ए, यही ना मैं प्रूफ करके दिखाना था दोनों साइन ए कॉस ए के बराबर होगा। चलिए प्रूफ हो गए, चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन